हमारे लिए आजादी ये कि बेखौफ होकर आपको एक छप्पी देना बिना ये सोचे कि आपका बॉयफ्रेंड देख रहा होगा. मतलब तो आप ये सबके साथ तो नहीं करने वाले ना ऑफिस में, आज आजाद होकर ही निकलेंगे आप. नहीं ना, आज तो पूरी तरह से आजाद होकर निकलेंगे. बहुत बड़ी, सारी लड़कियां छुप गई. चलिए, जब आजादी के मायने हम समझ के, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, किसी को मम्मी से आजादी चाहिए, किसी को लोग घर के लोग. सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, कलबंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. चलिए, इसी आजादी के जश्न का जो ये एहसास है, ये जो जज्बा है, इसको बनाए रखिए, क्योंकि हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल, जिसे आप देखते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, उसमें 14 अगस्त से इसी आजादी का एक स्पेशल सीरीज जो है उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं, तो देखिएगा जरूर. और अब आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैम सामने आते. थैंक यू मैम. थैंक यू. आइए मैम. एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ पे. वन मोर ईयर मैम, आपके लेफ्ट साइड में सर. सर ये स्ट्रेट लुकिए. सर सामने आते. सर लुकिए लेफ्ट साइड. सामने आते. बोलना उन्होंने बंद हुआ. कौन मालूम कर रहा है जनता मेडिकल पर वहाँ उतर आराम से बैठ के. कमल बंद है क्या? रूम बंद है क्या? ये अनोखा, बहुत ही अनोखा शो है, और इस अनोखे शो में जश्न आज़ादी भी बहुत ही अनोखा है. हम हमारी जनता को ये बताना चाहते हैं कि आज तो हम सब आज़ाद हैं, हम खुश हैं, और आज की पीढ़ी जो है, बहुत सारे लोग जो हैं वो आज़ादी मिलने के बाद इस पीढ़ी का जन्म हुआ है, तो इन लोगों को आज़ादी की कीमत नहीं पता. इनको नहीं पता कि 200 साल तक हम पर अंग्रेज़ों ने राज किया, 200 साल हम गुलामी में थे, कितनी सारी कुर्बानियाँ दी गई, कितने सारे लोग शहीद हुए. तो हम अपने एरा में, मुग़ल एरा में, तब तो सभी आज़ाद थे, लेकिन उस वक्त भी आज़ादी की जो कीमत है वो ज्यों के त्यों थी. तो हम एक छोटे से स्टोरी के ज़रिए हम सबको ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी जब है
तो बहुत ही खुशनुमा है सब कुछ, लेकिन अगर आजादी ना हो तो क्या होता है? जी आजादी हमें जो है अंग्रेजों से लड़ने के बाद मिली है जी, लेकिन अब भी जो है आजाद होने के बाद भी हम लोग गुलाम हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें लड़ने की जरूरत है, तो क्या जिनसे हम लोगों को लड़ना चाहिए उसी के बारे में आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? हमने वही कोशिश की है, पूरे वीक जो एपिसोड चलेंगे उसमें वही कोशिश रही है कि हमें आज़ादी तो मिल गई लेकिन डेमोक्रेसी का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है आज की तारीख में, जैसे जैसे हमने बताया आपको कुछ देर पहले, करप्शन है, नॉइस पोल्यूशन है, स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखता, इतनी बीमारियां फैल रही है, तो उस टाइप की आज़ादी का क्या मतलब जब आप मिसयूज़ कर रहे हो अपनी आज़ादी को? तो अपने एपिसोड्स के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गया लेकिन उसका सही इस्तेमाल क्या हमारी जनता कर रही है, ये सवाल हम उन्हें पूछना चाह रहे हैं। और हम हमारे एपिसोड्स के थ्रू हमने यही बताया है कि जो चीज़ आपके पास बहुत आसानी से है, जैसे पानी बहुत मामूली चीज़ लोग समझते हैं, खाना पीना बहुत मामूली सी चीज़ होती है, लेकिन कितने लोग बिना खाने के बिना पानी के मर रहे हैं, क्या ये आम जनता को पता है? आर दे अवेयर ऑफ दीज थिंग्स? I don't think so. So through our episodes, we are trying to tell people कि अपने independence को independence मिल गया लेकिन उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए, एक aware citizen बन के अपनी democracy को use कीजिए। और ये एक episode के जरिए नहीं, हम पूरा स्वतंत्रता सप्ताह मना रहे हैं, तो आप 5 अलग अलग episode में अलग अलग मुद्दे देखेंगे और आखिर में देखेंगे कि अगर आज़ादी ही ना हो तो क्या होता। आप जो है शाही महल में जम के डांस करती हैं, ड्रेस कोड जो है आपका, मैं जंप करके डांस करती हूं लेकिन अभी जो है आजाद होने के बाद लड़कियों को लेकर ड्रेस कोड, उनकी ड्रेस कोड को लेकर बात उठती है या फिर उनके साथ जो है आजकल बहुत जो है छेड़खानी की समस्या बढ़ गई है, इवन मुंबई जो है बहुत सेफेस्ट माना जाता था हिंदुस्तान में, तो क्या इस मौके पर उस इशू को भी आपने छूने की कोशिश की है या दर्शाने दिखाने की कोशिश की अपने आज़ादी के स्पेशल एपिसोड में? वेल लाइक यू सेड कि अब जाकर ऐसा हुआ है कि छोटे कपड़े पहनते हैं एंड ये वो, बिकॉज अर्लियर लाइक यू सीन ऑल ऑफ अस वी आर लाइक फुली क्लैड, तो ऐसा कोई एपिसोड हमने नहीं बनवाया जिसमें इस सब बातों का जिक्र हो, बट ऑफकोर्स दूसरे एपिसोड्स कई हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं लोगों को। सो नहीं एपिसोड में भी हमने रखना चाहेंगे कि आज़ादी के लड़कियों के लिए जो मायने क्या होने चाहिए या फिर लड़कियों की इज्जत किस तरीके से की जानी चाहिए आज़ाद मुल्क में, उसके लिए कुछ? आई थिंक अगर आज़ाद मुल्क है तो लड़कियों को यू नो इवन इफ इट्स द शॉर्टेस्ट क्लोथ आई थिंक इट शुड बी एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज गन आपकी आंखों में होती है, यू नो इट्स नॉट के इतने हमने स्टोरी सुने हैं कि लड़की ने अगर बुरखा भी पहना हो तो भी उसका रेप हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर लोग जैसे बोलते हैं कि उसने ऐसे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चों तक का, छोटे छोटे बेबीज का रेप होता है, तो यू नो आई डोंट थिंक इट्स अबाउट द क्लोथ्स, इट्स अबाउट द मेंटेलिटी, इट्स अबाउट हाउ द पर्सन इज, इट्स अबाउट ऑल ऑफ दैट, तो आई थिंक दैट शुड चेंज इन द मैन, इन द पर्सन दैट ही इज एंड नॉट इन द क्लोथ्स। हमें लगता है कि जरूरत है कपड़े बदलने की नहीं बल्कि सोच को बदलने की। सोच बदली जाए तो कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्योंकि जैसे किशोर ने कहा, हमने उस एरा में हम शो कर रहे हैं तो काफ़ी लिमिटेशन है, हम कपड़ों को लेकर या ऐसी चीज़ों को लेकर शायद ही एपिसोड ना कर पाए, पर हमारा एक एपिसोड है जो नारी शक्ति और नारी शोषण पर है, जहाँ पर युद्ध के लिए बादशाह अकबर की जगह दरबार में सारे लोग, जैसे आज के ज़माने में भी लोग हैं उस ज़माने में हुआ करते थे, उनको बलदेव जी हैं जो कहते हैं कि नारी कुछ नहीं कर सकती, और जालिम सिंह युद्ध छेड़ देता है, और इस एपिसोड में हमने बताया है कि नारी क्या कर सकती है और बादशाह अकबर के जगह रानी साहिबा जाकर युद्ध जीत कर आती। आप जश्न आज़ादी आपने अभी नेशनल एंथम गाया था, लेकिन मैं चाहूँगा तमाम मीडिया वाले चाहेंगे कि इस मौके पर जश्न आज़ादी का कोई नगमा जो है शेयर करना चाहेंगे, फिल्मी नगमा। तानसेन को बुलाओ, तानसेन तानसेन हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, वतन तेरे हर कदम अपना करेंगे, हर करम अपना।
अकबर बीरबल के सारे एक्टर्स की तरफ से और सारी यूनिट की तरफ से और बिग मैजिक की तरफ से हमारे सारे दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।